चीन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए किसी भस्मासुर से कम नहीं है, क्योंकि पहले इसने दुनिया के खात्मे के लिए कोरोना वायरस बनाया, दुनिया की जमीन हड़पने के लिए युद्ध पर आमादा है, तो अब चीन से जो खबर आ रही है उसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। दरअसल चीन के एक बड़े परमाणु संयंत्र में तगड़ा लीकेज देखने को मिला है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। करीब एक हफ्ते पहले हुए इस लीक को चीन ने दुनिया से अब तक छिपा कर रखा हुआ था। इस परमाणु संयंत्र के निर्माण में फ्रांसीसी पावर ग्रुप EDF की करीब 30% हिस्सेदारी शामिल है। EDF ने इस लीकेज को लेकर अपनी स्वतंत्र जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि अब तक लीक की भयावहता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पावर प्लांट के आसपास रहने वाले चीन के स्थानीय लोग रूस के चेर्नोबिल में आज से 35 साल पहले की घटना को याद कर डरे हुए हैं। परमाणु संयंत्र से लीक हुआ रेडियोएक्टिव पदार्थ, दूसरे चेर्नोबिल की आशंका से डरे चीनी लोग। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक हफ्ते से अमेरिकी सरकार इस लीकेज रिपोर्ट का आकलन कर रही थी। इस रिपोर्ट में फ्रांसीसी कंपनी EDF ने US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के सहायता की गुहार की थी। कंपनी ने इसमें अमेरिका को असन्न रेडियोलॉजिकल खतरे की साफ चेतावनी दी थी। इसमें बताया गया है कि चीनी सुरक्षा प्राधिकरण ग्वांगडोंग प्रांत में ताइशिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर विकिरण की सीमा को बढ़ा रहा है, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस प्लांट से रेडियोएक्टिव विकिरण हुआ है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को EDF ने डिजाइन किया है। इतना ही नहीं, संचालन के काम में भी चीन इस कंपनी की मदद लेता है। इसी कंपनी ने रेडियोएक्टिव पदार्थ के रिसाव और खतरे की चेतावनी दी है। EDF ने कहा कि रिसाव हुआ था। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ये अक्रिय गैसें हैं, लेकिन इनमें रेडियोएक्टिव गुण पाए जाते हैं। अगर भविष्य में रिसाव की मात्रा बढ़ती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। फ्रांस की कंपनी के चेतावनी के बावजूद चीन अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि परमाणु संयंत्र से रिसाव की स्थिति गंभीर है। अधिकारियों का मानना है कि रिसाव चीनी नागरिकों या पर्यावरण के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं करती है। इसमें असामान्य बात यह है कि फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका से इस मुद्दे पर सहायता मांगी है, जबकि चीन इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति गंभीर होती है तो उनके ऊपर लापरवाही करने का आरोप लग सकता है। वहीं इस घटना की पहली बार सूचना मिलने के बाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पिछले सप्ताह कई बैठक की, जिनमें दो दो डिप्टी स्तर पर और एक सहायक सचिव स्तर पर हुई बैठक भी शामिल थी। सहायक सचिव वाली हाई लेवल मीटिंग का नेतृत्व चीन के लिए NSC के वरिष्ठ निदेशक लॉरा रेसोनरबर्ग ने किया था। इसमें शस्त्र नियंत्रण की वरिष्ठ निदेशक मेलोरी स्टीवर्ट भी शामिल हुई थी। इस बैठक के दौरान अमेरिका ने फ्रांस सरकार, वहां की कंपनी और चीन से भी संपर्क किया। क्या चीन में चेर्नोबिल जैसी घटना? करीब 35 साल पहले 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था, जिससे तब हजारों लोगों की मौत हो गई थी और यूरोप के ऊपर रेडियोएक्टिव बादल जमा हो गए थे। बाद में इसे बंद कर दिया गया और एक हिस्सा तो आज भी बंद है। इस घटना के बाद प्लांट के यूनिट 4 रिएक्टर के इर्द गिर्द एक स्टील और कंक्रीट का पिंजरा बनाया गया था, जिससे रेडिएशन को रोका जा सके। यहां रेडिएशन की दर इतनी ज्यादा थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक रहने वाले लोगों को रातों रात हटा दिया गया। पूरा चेर्नोबिल शहर आज भी वीरान इमारतों के रूप में आज भी उस दुर्घटना की याद दिलाता है।